लोगों का मन इस को बदलाव में है। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का दौर शुरू हो गया है। 1 तारीख को जैसे परिणाम आएंगे राजस्थान के अंदर जनता का मानस सबके सामने आ जाएगा। तीनों चुनाव में अलवर, अजमेर लोकसभा और मांडलगढ़ विधानसभा में भारी मतों से कांग्रेस के उम्मीदवार जीतेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं कि बीजेपी के तमाम नेताओं से आप कैमरे पर पूछ लीजिएगा, वो कहेंगे कि तीनों सीटें हम जीत रहे हैं। कांग्रेस से पूछ लीजिएगा, वो भी कहेंगे कि तीनों सीटें जीत रहे हैं। अंदर खाने क्या हकीकत है वो कोई नहीं बताना चाहेगा, लेकिन मांचन जी आप अंदर खाने की हकीकत को बताने की कोशिश कर रहे थे और आप आधार बता रहे थे कि आखिर किस आधार पर कांग्रेस का पलड़ा भारी आपको नजर आ रहा है, जरा बताइए। देखिए अपेरेंटली हो सकता है इसके बाद आरसी चौधरी जी आपको पार्टी के लिए ले जाए, नहीं खैर वो तो अलग बात है, लेकिन धरातल पर अगर हम देखें तो रिजेंटमेंट सरकार के विपक्ष में है। दूसरी बात, ये आम जनता में धारणा ये है, ये सरकार भ्रष्टाचार के लिए बनी हुई, धारणा की बात कर रहा हूं, है या नहीं उसका मैं आर्ग्यूमेंट आपसे नहीं करूंगा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो बीजेपी वाले जो हैं वो ही अपने कैंडिडेट को हराने में लगे हुए हैं जी। क्यों? क्योंकि वो वसुंधरा जी को आउट करना चाहते हैं। और मैं ये समझ रहा हूं कि शायद हाई कमांड भी उतना ज्यादा कंसर्न नहीं है इन चुनाव से बीजेपी का कि भाई क्या परिणाम आता है, क्योंकि अगर गलत परिणाम आ गया तो हाई कमांड वास्तव में कमांडर हो जाएगा और कमांडर होने के बाद में सारा कमांड जो उसके हाथ में आ जाए। एक बात तो यह है बीजेपी के बारे में कहना चाह रहा हूं। और जहां तक इसको बचाने का सवाल है, इसका मतलब हारने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, तभी वसुंधरा जी प्राण प्रण से लगी हुई है। और अजमेर में तो हालत यह कि केवल कैंडिडेट ही उनके कारण बना, वो नहीं तो न तो वक्तव्य कला में, वो किस प्रवीण की बात तो छोड़िए जानकारी नहीं है उसको, संप्रेषण कला में उसकी जानकारी नहीं है, सूचना तंत्र से वो बिल्कुल अनभिज्ञ है। और वो वास्तव में केवल सावरमल जी प्रोफेसर, मैं भी प्रोफेसर रहा हूं, मैं जानता हूं उनको भी, और उनका वो लड़का है बस, इसके अलावा कुछ नहीं उसके पास में, लेकिन इससे कोई सिंपैथी नहीं बनी है वहां पे। और इसके आगे मैं कहना चाह रहा हूं क्यों, क्योंकि अब की बार कम से कम कांग्रेस ने जो है ये किया कि रघु शर्मा को पंडित बना दिया है। नहीं नहीं पंडित है, लेकिन सवाल है कि पंडिता ही नहीं है। अब आप अगर सुनना ही चाहते हैं तो पंडित होना, शर्मा होना पंडित नहीं होता। चलिए अब मैं संकेत की भाषा करना चाह रहा था, आपने सीधा कहलवा दिया। दूसरी बात, रघु जी की जो है वास्तव में जब वो युवा कांग्रेस अध्यक्ष थे तब उनकी छवि वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए, लेकिन सवाल अब क्या हुआ कि अब वास्तव में ये कि जातिवाद का खेल खेलना है इसलिए उनको लाना है। और राजपूत, अभी मैंने इसकी व्याख्या कर दी आपको, उनके साथ में हमको रहना है। और जाट जो है वो पूरी तरह से जाट कैंडिडेट के पक्ष में नहीं होंगे जी। ये मान के चलिए कि वहां पे रामचंद्र नाम का फैक्टर एक और है, वो भी रड़क निकालने के लिए वहां पे। तो सवाल है ये जो ये परिप्रेक्ष्य और अलवर की आप बात करेंगे, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, यादव कर्ण सिंह और बीजेपी वाले यादव जसवंत सिंह, ये दोनों यादव में जिम्नासंग अंतर है इमेज का आधार भी कह रहा हूं आपसे, जो जनता में इमेज है ये बहुत ही सहज व्यक्ति लगते हैं कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं और जो डॉक्टर रहे हैं और अधीक्षक रहे हैं एसएमएस के, वो जो है लग रहे हैं और वो शालीन है बोलने में भी, अखड़े नहीं है। अगर मान लो दूसरे की व्याख्या करेंगे टाइम लगेगा, मैं कह रहा हूं वो अखड़े नहीं है वो शालीन है। सवाल उनकी इमेज बहुत ज्यादा अच्छी है, चाहे वो भ्रष्टाचार के रूप में हो चाहे दबंगाई के रूप में हो, तो ये कांग्रेस के जो कर्ण सिंह है उनकी इमेज वो है। और सवाल यह रहा कि पहले भी वो जीते हैं ठीक है लोकसभा का भी और विधानसभा का भी। श्याम जी अब मैं आंकड़ों के जरिए आपसे बात करना चाह रहा हूँ, 2014-13 और 2018 के जो आंकड़े हैं सर। अगर अलवर की बात करें तो यहाँ पर तिजारा रामगढ़ काफी ज्यादा वोटिंग होती है, बात अलवर लोकसभा में ग्रामीण और शहर की करें तो बेहद कम वोटिंग होती है। क्या इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के पक्ष में वोट ज़्यादा पड़े या बीजेपी के पक्ष में नहीं पड़े? देखिए कि विजेंद्र जी, इस बार भी अभी आप देख रहे हैं कि अलवर ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में मतदान कम हुआ है, इस बार भी देखिएगा अभी देखने को मिल रहा है जी। लेकिन आप जो देखिए तिजारा में मतदान ज़्यादा हुआ है, वहाँ का जातिगत आधार बिल्कुल अलग तरह का था जी। उसी का परिणाम था कि आपको वहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए जिस तरह के साधन चाहिए थे, जिस प्रकार से सक्रियता चाहिए था, वो उतने तरीके से सत्ताधारी पार्टी जो करना चाहिए था नहीं कर पाई। इसका मतलब वहाँ का एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम देखने को मिला। यादवों का जो आप मानस जिस प्रकार का बना, एक तो हमारा है दूसरा भी कर लो, तो उसका जो भी परिणाम कांग्रेस को फ़ायदा मिल सकता है वहाँ पर। भंवर जितेंद्र नहीं लड़े चुनाव, सही बात है, लेकिन उनके बाकी लोग सक्रियता नजर आई। ठीक है शिल्पा भाई जी, जरा बताइए मैम, अलवर आप किस आधार पर जीत रहे हैं? ये सवाल मैं आरसी चौधरी से भी करूंगा, परेशान ना होइएगा मैम। देखिए
मैंने पहले भी कहा था, हमने 4 साल में जो विकास किया है और जिस तरह से कार्य पर जो बीच में जितने भी चाहे नगर पालिका के हों, परिषद के हों, और चाहे बाई इलेक्शन हुआ, धौलपुर के इलेक्शन हो, जो भी इलेक्शन हुए उनमें जनता ने मोहर लगाकर ये साबित कर दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली से अलवर की बात करें, मैं उसी पर आ रही हूँ। तो ये जो साबित कर चुके हैं को क्यों लड़ाना पड़ा चुनाव, अगर आपके पास विकास काम थे तो किसी को भी चुनाव लड़ा देते। नहीं देखिए, हमारे यहाँ पर जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है आम कार्यकर्ताओं की राय के बाद में होता है। क्योंकि जिस दिन नाम घोषित किया गया था जसवंत यादव जी का, उससे पहले पोस्टर लग गए थे, ये तो ना कहिए कम से कम। नहीं देखिए, घोषणा अलग चीज है, लेकिन रायशुमारी तो पहले से चल रही थी ना हमारी, तो रायशुमारी से जो नाम निकल के आया इसका मतलब उम्मीदवार नहीं था। विकास का तो कोई मुद्दा दिखाई नहीं। मैंने कहा ना उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं थी, जो रायशुमारी में जो एक नाम आया उसको ही आधार बना। अच्छा ठीक है, शिल्दा भाई जी जरा मुझे ये बताइए, वहां से जीत रहे हैं ये उम्मीद होगी? बिल्कुल जीत रहे हैं। मैंने तो किसी नए उम्मीदवार को लाते ना, कैबिनेट मंत्री को क्यों खराब कर दिया? नहीं मैंने मैंने कहा अब या तो लोकसभा जाएंगे या जनता की सेवा यहाँ पर करेंगे। विजयन जी मैंने कहा ना आम कार्यकर्ताओं की राय शुमारी के बाद में ये नाम, यानी उनको लगता था कि कोई दूसरा ऐसा नेता नहीं जो यहाँ से जीत सकता है। ये तो कार्यकर्ताओं की राय, कार्यकर्ता जो नाम लेके आते हैं आला कमान के पास में उसी के आधार पर टिकट होते हैं, तो उसी आधार पर उनको जसवंत जी को जैसे बहुत जितने बिना कार्यकर्ताओं के आधार पर करण सिंह को उम्मीदवार बनाया। नहीं देखिए, फिर कांग्रेस का अलग कुछ भी हो सकता है, उनका प्रोसीजर क्या है। आपको मजबूरी में बनाना पड़ा, कैबिनेट मंत्री को चुनाव लड़ने का मतलब था कि आपका आधार ठीक नहीं था? नहीं बिल्कुल आधार ठीक था, हमने कहा ना। मैडम मैं समझता हूँ, जहाँ तक जिस कैंडिडेट को आपने बनाया ना वो बनना नहीं चाहता था, असलियत तो ये वो अपने पुत्र को चुनाव लड़ाना चाहता था, नहीं बनना चाहता। अब आगे मोहित जो चुनाव था वो कहते थे लेकिन ठीक है, लेकिन मैम ठीक है, शिल्दा भाई जी मैडम मेरा सवाल ये है कि 7 सीटों पर आपके जो विधायक हैं आपके अलवर में, उसके बावजूद अगर मतदान ना हो तो क्या कहा जाए? नहीं देखिए, अमूमन पूरा कैबिनेट वहां पर था। नहीं देखिए, मतदान रोड शो इतने किए गए, नहीं देखिए खुद प्रदेश अध्यक्ष वहां पर थे, जिम्मेदारी संभाल रहे थे। नहीं बिल्कुल, ये तो हर इलेक्शन में होता है, एक तो प्रोसेस प्रमुख बना दिया गया, साइकोल सेंटर बना दिया गया, और ना जाने क्या क्या कर दिया गया। देखिए तो हमारा बूथ मैनेजमेंट है, हमारा चुनाव के जो मैनेजमेंट है उसके तहत है बूथ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर विकास का मुद्दा इतना हावी था तो पहले तो कैबिनेट मंत्री को उतार दिया, फिर इतने मंत्रियों को ले जाकर वहां पर रख दिया, खुद प्रदेश अध्यक्ष वहां पर चले गए। ये तो चुनाव है, बाई इलेक्शन है, तो नेचुरल बात है कि वो सारे कार्यकर्ता जाएंगे, मंत्री भी जाएंगे, सभी जाएंगे वहां पर। इसमें पंचायत चुनाव में जाओ ना, इसे मना कौन कर, पंचायत चुनाव में जा सकते हैं? वो जाते हैं ना, वो तो उसमें लोकसभा के चुनाव में चलेगा, उपचुनाव में नहीं। देखिए हर चुनाव में ऐसा होता है और ये प्रक्रिया के तहत वो जाएंगे वहां पर। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलिए भाई जरा बताइए, अगर अलवर जीत गए, आप तो कह रहे हैं जीत ही गए, तो किसकी उपलब्धि होगी? देखिए ये सबसे पहली उपलब्धि कार्यकर्ताओं की है जो वहां पर लगी हुई है। वसुंधरा जी की नहीं मानोगे क्या? बिल्कुल, अभी आ रही हूँ ना मैं ग्राउंड लेवल पर, तो मैं बात कर तीसरे नंबर पर। मुझे लग रहा है कि अगर हार गए तो फिर जवाब क्या देंगे, वो सीधा जवाब बनेगा नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल, जो धरातल पर काम ठीक है, शिल्दा भाई जी जवाब को उलट देते हैं, अगर हार गए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? सबकी जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री ने जो काम किए राजस्थान मतलब में जो किया, नहीं बेकार नहीं, मैंने कहा ना एक हमारे यहाँ पर सामूहिक जिम्मेदारी होती है। ठीक है, आरसी चौधरी जी, अगर अलवर जीत गए तो जिम्मेदारी किसकी, क्रेडिट किसका, अशोक गहलोत का या सचिन पायलट का? यहाँ पे जो हमने चुनाव लड़ा वो चुनाव यूपीए की सरकार के दौरान हमारे जो सांसद के कार्यकाल में जो काम किए गए और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए, सर उस आधार पर 2014 ना जीत पाए 2018 जीतेंगे, वो तो हार गए ना चुनाव जो काम किए उसके बाद। सुन महाराज, जो हमने काम किया आतुलेखा चौका मांगना पड़ेगा ना, आतुलेखा चौका देना पड़ेगा ना, हमने क्या किया और आपने क्या किया, आज 4 साल होने तो सर आप ये बता सकते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया अगर आपके आधार पे ऐसा लगता है, लेकिन ये ना कहिए कि यूपीए के सरकार के दौर के वक्त में जो काम किया उनके आधार पर मांग हमारे उसके आधार पर 2014 जीत लेते 2014 जीत लेते आरसी चौधरी जी उसके आधार पर 2014 में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश के सामने जो वादे रखे थे, जो आंदोलन के तौर पर लिया था और प्रदेश की जनता ने उन पे बेहद विश्वास किया, ये कहीं कोई विश्वास करना कोई गुनाह नहीं होता विजेंद्र जी, विश्वास किया तो विश्वास, लेकिन विश्वास के बाद में आज देश के प्रधानमंत्री जी अगर खड़े उतरते हैं तो उनके कार्यकाल लेखा जोखा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के वक्ता को बोलना चाहिए कि अगर कर दिया नाम कार्य देख गुजरात में देख लिया ना, गुजरात में देख लीजिए, हमने कार्य का आधार पे चुनाव देख लीजिए, हमने कार्य का आधार पे चुनाव। ठीक है आरसी चौधरी जी, आप ये कह देंगे अगर अलवर हार गए तो ये कहेंगे कि यूपीए के दौर में जो काम हुआ था उससे बेहतर काम इस सरकार ने किया इसलिए हम हार गए? हाँ निश्चित रूप से कहूंगा मैं, अगर हम अलवर हारते हैं तो मैं ये बात कहूंगा कि कहीं ना कहीं हमारे वो काम का लेखा जोखा जो था
या तो हम देने में सफल नहीं रहे या कहीं भी भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जो ऐसा नहीं हो सकता 2014 में भी ना दे पाए 2018 में भी ना दे पाए ठीक है। लेकिन मुझे जरा ये बताइए ठीक है, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ रामगढ़ तिजारा बहरोड़ इनमें मतदान काफी अच्छा हुआ, ये कांग्रेस के लिए पॉजिटिव साइन? देखिए मैडम सभी विधानसभाओं में गई, बहरोड़ जो विधानसभा क्षेत्र है खुद मंत्री जो चुनाव लड़ रहे हैं खुद की विधानसभा क्षेत्र है, तिजारा जहां पे विधायक का मैडम ने कान पकड़ के और जनता के सामने कान पकड़ के उनपे कहा था वो है, ये जो तमाम जो है कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इंगित तो करनी पड़ रहे हैं कि क्यों कान पकड़ना पड़ा, कहीं जनता का आक्रोश झेलना पड़ा होगा। जिस प्रकार से मंत्री ने जनसभा में एक लड़के के जो थप्पड़ मारा जब उन्होंने काम के लिए पूछा तो कहीं ना कहीं तो उसकी प्रतिक्रिया आ रही होगी, कहीं ना कहीं तो जवाबदेही आ रही होगी। रामगढ़ के अंदर उसी लड़के को पकड़ा और पेपर में छपाया मैडम, अगर आप किसी की हमने तो सुना नहीं ना, आप नहीं सुनेंगे, आप अगर सुनते तो निश्चित रूप से विधायक जाते हैं, अगर आप सुनते ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा जो अपने विधायक की नहीं होती। यहाँ पर रुक रहे हैं क्योंकि आप बहुत कुछ सुन चुके हैं, आज मतदान आपने किया है, मेहनत का काम किया है, थक गए, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे जल्द हाजिर। एक चुनाव और या एक सियासत कहते होगी, चुनाव तो जब राज्य सरकार के आएंगे वो सियासत बताएंगे, एक चुनाव को अगर आधार मान के चलो वो तो ऐसा होता है कहीं भी घटत बटत कुछ भी हो सकता है। ये सेमीफाइनल चुनाव है और इसमें वसुंधरा जी का भविष्य तय हो जाएगा कि 2018 जो दिसंबर में चुनाव है इसमें जो वसुंधरा सरकार है वो बाहरी अंतरों से हारेगी और जनता कांग्रेस पार्टी को चुनाव में जीत दिलाकर और आम जनता की जीत होगी।